जिस वक्त देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, उसी वक्त दिल्ली के एक इलाके में दहला देने वाली गुनाह हो चुका था। न्यू ईयर के जश्न में 5 रईस ज्यादा धुत थे, उन्हें होश तक नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उन्होंने एक लड़की की स्कूटी से टक्कर पहले उसे मारी, फिर 4 किलोमीटर तक अपनी कार से लड़की को घसीटते हुए गाड़ी चलाते रहे। लड़की के जश्न से पहले कपड़े फटे, फिर उसकी चमड़ी शरीर से अलग होती रही। लड़के नहीं रुके, आखिरकार घिसटती लड़की ने दम तोड़ दिया। बीच सड़क पर बेजान बगैर कपड़ों के लड़की पड़ी रही और रईस ज़ादे उसे मरा छोड़कर भाग गए। जिस वक्त देश डूबा हुआ था नए साल के जश्न में, खुशियों में सराबोर था, हर ओर बधाइयों का शोर था, ठीक उसी वक्त राजधानी दिल्ली की सड़क पर एक बेटी बेसुध पड़ी थी, बिना कपड़ों के, बेजान शरीर के साथ। सुनकर सन्न रह जाएंगे आप कि 5 रईस ज़ादों ने एक बेटी को घसीटकर मार डाला। ये इतनी भयानक तस्वीर है कि इसका एक भी हिस्सा हम आपको नहीं दिखा सकते। दिल्ली के सुल्तानपुर में कंझावला इलाके में नए साल के जोश में होश खोकर कार सवार युवकों ने इस लड़की की स्कूटी को टक्कर मारी, कार के साथ लड़की को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा। सोचिए, रईस जादों की कार चलती रही, लड़की सड़क पर घिसटती रही, पहले कपड़े फटे फिर चमड़ी उतरने लगी। जब तक इस हादसे का पता चला, लड़की का शरीर जख्मों से भर गया, सड़क पर घिसट घिसट कर पूरा शरीर छिल चुका था, लड़की बेजान हो चुकी थी, सांसें खत्म हो चुकी थी। इंटरोगेट किया गया तो ये पता चला कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्राइव हो गई थी, और बाद में जब उन्होंने रियलाइज किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। अजीब हाल है, कैसे कोई यकीन करे कि देश की राजधानी में बेटियां सुरक्षित हैं? 5 रईस ज़ादों के सुरूर ने जिंदगी खत्म कर दी उसकी। फैटल एक्सीडेंट है, और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्राइव किया गया और शरीर को काफी नुकसान हुआ, पूरी तरह से लहूलुहान और छत विछत हो गए हैं। उधर पुलिस इस केस में रेप की बात को गलत बता रही है, आरोपियों से पूछताछ कर पूरी घटना का पता लगा रही है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है, जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्राइव किया, काफ़ी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था, और पांचों लड़के जो इस कार में बैठे थे उनको हमने अप्रिहेंड कर लिया है, प्रॉपर सेक्शंस में उनके खिलाफ केस दर्ज करके हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को समन किया। हमने समन्स इश्यू कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है। समन होते रहते हैं, आयोग बनते रहते हैं, टीमें बनाई जाती रहती हैं, सब कुछ अपने समय के हिसाब से होता रहता है, सिवाय इस चीज के कि बेटियां सुरक्षित रहें, वो बेखौफ होकर टहलें दिल्ली की सड़कों पर, उनके कदम ना कांपें। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्योंकि नए साल का दिन था, मौका था, सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, क्या कोई कार्रवाई इस लिहाज से भी हुई कि कहां चूक रह गई जिसकी वजह से एक लड़की जिसने अपनी जान गंवा दी अब हमारे बीच नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी बनती? देखिए, पहले तो मैं साफ कर दूं, आपने सुना होगा डीसीपी आउटर हरेंद्र सिंह को, उनका कहना है कि ये पूरी तरह से फैटल का इंसिडेंट है, यानी ये दुर्घटना है। लेकिन इसमें जो ये दुर्घटना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें 4 किलोमीटर दूर तक लड़की घसीटती हुई गई है। अब जब स्वाति मालीवाल ने बकायदा दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है, तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं चूंकि लड़की जो कार है उसके अंदर की तरफ
वो फंस गई थी और वो घसीटते हुए गई थी, इसीलिए किसी पुलिसकर्मी को दिखाई नहीं दिया। तो ये दलील अभी समझ के बाहर है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे पूरी तरह से एक दुर्घटना बता रही है। इसमें 279 IPC यानी फैटल एक्सीडेंट और 304A यानी लापरवाही से ठीक है गाड़ी चलाने का अरविंद। मामला दर्ज किया गया है। पांच जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है जिससे ठीक है पुष्टि हो सके कि उन्होंने ड्रिंक किया था या नहीं किया था, क्या ये ड्रंक एंड ड्राइव का मामला है। लेकिन जाहिर सी बात है बेहद अरविंद, दर्दनाक ये हादसा है, इन क्योंकि पांच लोगों को जिनको जो गिरफ्तार पांच किया है गया, इनसे क्राइम, पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ पता चला क्या इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की उन्होंने कोशिश की थी जिसके दरमियान इस तरीके का हादसा हुआ, या उनको पता ही नहीं चला कि लड़की कब कार के साथ घसीटती चली गई? नहीं देखिए जो आरोपी है उन्होंने अभी शुरुआती तफ्तीश में तो यही कहा कि इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि आरोपी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर कार के नीचे कोई फंस जाए तो जो कार ड्राइवर है उनको इस बारे में जानकारी नहीं होगी। शायद इस वजह से 304A की धारा वो लगाई गई है। ठीक है मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है, अभी उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरी तरह से फैटल का इंसिडेंट है, लेकिन जो क्राइम सीन पर जिस तरह से लड़की की हालत छत बिछत थी, कपड़े पूरी तरह से फट गए थे, दिल्ली पुलिस की यह दलील है कि चूंकि 4 किलोमीटर दूर तक ट्रैक किया गया था लड़की को, इस वजह से हालत बुरी हो गई थी। लेकिन किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट ठीक है को सीधे नकारा है दिल्ली पुलिस ने। उनका कहना है कि पूरी तरह से फैटल का मामला है, ठीक है एक्सीडेंट का मामला, लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला, इस वजह से पांचों आरोपियों को गिरफ्तार ठीक कर है लिया गया है। ठीक है अभी अरविंद, भी जो डीसीपी है हरेंद्र सिंह आउटर के, वो आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।